नमस्कार दोस्तों। तो टारगेट है 4,000, क्यों है ये भी बताएंगे, पूरी खबर बताएंगे, एक नई जो आपको खबर मिलेगी डील होने वाली है रिलायंस की, वो भी बताएंगे क्यों 4,000 रुपए टारगेट है, क्यों नहीं बेचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप बेच के लोअर टर्म पे खरीद सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जिसको रखना है वो बिल्कुल मत बेचिएगा दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री एक्वायर करने वाली है, नॉर्वे की एक सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है REC ग्रुप, उसको एक्वायर करने वाली है रिलायंस। मैं बता चुका हूं ग्रीन एनर्जी में 75,000 करोड़ रुपए का पुश करने वाली थी और वो अब करेगी। इंफोसिस के बारे में बताएंगे, TCS के बारे में बताएंगे, सब बताएंगे क्यों ये शानदार स्टॉक है। तीन स्टॉक है जो आपको कभी नहीं बेचने चाहिए अपनी लाइफ में, आपको बुढ़ापे के लिए रखनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि सबसे पहले आपने अडानी ग्रीन को देखा कितना ऊपर चढ़ा है ग्रीन एनर्जी की वजह से, तो आप सोच सकते हैं अगर रिलायंस पुश करेगा तो कितना ऊपर जाएगा। और सऊदी के अमारको डील भी आपको आने वाले 3 से 4 महीने में होते हुए दिखाई देगी, फिर आपको नहीं मिलेगा इस रेट पे ये प्राइस। TCS 5,000 टारगेट क्यों, इसकी भी एक नई डील होने वाली है BSNL के रिगार्डिंग, इसके एक शानदार खबर आई है इसमें। और वैसे भी $8.1 बिलियन की डील्स तो इसके खाते में अभी भी पड़ी है, सबसे ज्यादा है इसके इतिहास में लगभग, तो क्यों बेच के आप निकलना चाहेंगे लोअर रेट पे और खरीदिए दोस्तों। तो BSNL का 4G का जो ट्रायल है, टेक महिंद्रा और TCS दोनों शॉर्टलिस्ट हुई हैं उसके लिए, और 4 महीने का ये ट्रायल होगा, उसके बाद जो कंपनी प्रूफ दिखाएगी कि वो 4G टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल होंगी उसे ये रोलिंग आउट मिलेगी BSNL की। तो TCS तो 5G का भी कर चुका है, तो आप 4G के मामले में तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये कर ही देगा, और इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बहुत चांसेस हैं TCS को BSNL के। तो इस पे नजर बनाए रखेगा दोस्तों, थोड़ा सा भी नीचे जाए तो खरीद दीजिए, थोड़ा सा भी अगर आपको लगे BSNL नीचे जा रहा है तो उसी टाइम पैसा लगा दीजिए इस शेयर में। कोई डाउट नहीं है मुझे, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा ये स्टॉक। तो TCS और रिलायंस, अब बात करते हैं हम इंफोसिस के बारे में। अगला स्टॉक होगा इंफोसिस। इंफोसिस का 1640 शॉर्ट टर्म का, 3,000 रुपए लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा। इंफोसिस के क्या है न्यूज, इंफोसिस का एक तो रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला, कोई डाउट नहीं है मुझे इस बारे में। विप्रो का, HCL टेक का और इंफोसिस के रिजल्ट पे आप दांव खेल सकते हैं। 100-100 शेयर अभी खरीद मारिए, मैं तो ये कहूंगा बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, 500 लाइक दिखाएंगे तो HCL टेक की वीडियो जरूर बनेगी, आज की आज ही बनाएंगे दोस्तों। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत शेयर कीजिए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचा पाऊं। इंफोसिस को छोड़िएगा मत दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल स्टॉक है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय जरूर लीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। और प्लीज डू लाइक शेयर कैन और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।